हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंड्स बाय हिमांगी। मैं हिमांगी अग्रवाल। तो गाइस, से मैं क्विकली मेकअप कर रही हूँ। वैलेंटाइन से मेकअप आप कर सकते हैं एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में। पहले स्किन को हाइड्रेट कर लेंगे। मैंने अपना टोनर लगा लिया है गुड वाइब्स का। तो मैंने टोनर लगाने के बाद मॉइस्चराइजर अपना लगा लिया जो मैं लैक्टो का लगाती हूँ। तो आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही कम प्रोडक्ट में यूज़ करने वाला मेकअप है। आप बहुत ही फास्ट 5 मिनट में ओनली मेकअप कर सकते हैं कम प्रोडक्ट के साथ में। मैंने सिर्फ यहाँ से 4 से 5 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। जो मॉइस्चराइजर लगाया है ना, ये प्राइमर का भी काफ़ी अच्छा काम कर देता है, एक ऊपर लेयर बना देता है अच्छी सी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया अपना HD का, कलर सेंस का। पूरे फेस में हाथ से ही अप्लाई करने वाली हूँ मैं। यहाँ ब्रश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि ये क्विकली मेकअप है एंड बहुत जल्दी आप मेकअप रेडी हो सकते हैं और बहुत जल्दी ये मेकअप अपनी स्किन पर कर सकते हैं। तो कोई भी इसको कर सकता है, जो भी नहीं कर रहा है वो भी कर सकता है एंड अनमेरिड कोई भी कर सकता है इसको। हल्का मेकअप मैंने किया है वैलेंटाइन के लिए, काफ़ी अच्छा मेकअप है ये, कोई भी इसको अपने यूज़ कर सकता है। तो ये फाउंडेशन जो है मेरा मिक्स हो चुका है। मैंने लिप्स पे भी लगा लिया था, जिससे क्या होता है ना, अपना जो लिप्स कलर है ना, लगाएंगे उसके बाद कलर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये पूरे में मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर से अपना पूरा फाउंडेशन शेड कर लिया था। तो गाइस, ये बहुत क्विकली मेकअप है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भी और आप फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरा सब सेट हो चुका है। इसके बाद मैं करूँगी अपनी स्टे से मैचिंग का यहाँ पर आई शेडोस, आई मेकअप। तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर लिया है। मेरा ड्रेस का जो कलर है ब्लू कलर है, तो वो यहाँ मैंने ब्लैक कॉर्नर पे ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो पूरे जो इंगे जो कॉर्नर होते हैं ना उसमें, और जो ऊपर की लाइनिंग होती है उसमें मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लैक कलर को लाइट, बहुत ही हल्का मैंने इसको लिया है, कोने में पूरे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो मैं यहाँ पर ड्रेस मैंने जो पहनी है ब्लू कलर की ड्रेस है, इसमें काफ़ी तरह के फूल पत्ती वगैरह बने हैं, ऑरेंज वाइट काफ़ी तरह के। तो आप चाहे तो कई तरह के आइस मेकअप लुक कर सकते हैं इसमें। मैं ऐसा करूँगी जो कि पूरी ड्रेस पे मेरे मैच करेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कॉर्नर में लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आप ये किसी भी ड्रेस पे मेकअप कर सकते हैं। आपके अगर ब्लू नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये जाएगा आपके आइस ऑल ड्रेसों पे मेकअप। तो गाइस, ये मैंने जो है ब्लेंड कर लिया अच्छे से। मैं यहाँ वीडियो बिल्कुल फास्ट नहीं करूँगी, अगर वीडियो फास्ट हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये स्लो स्लो कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये ब्लैक कलर मेरा आराम से हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं पिंक कलर, हल्का लाइट पिंक कलर लूँगी एंड जो कि यहाँ पर मैंने ब्लैक कॉर्नर लगाया उसके ऊपर मैं पिंक कलर लगाऊंगी, जिससे क्या होता है ना, हल्का सा शेड्स अच्छा सा निकल के आए। तो उसके ऊपर लगाने से हमारी आईज ब्लैक भी नहीं दिखेगी ऊपर की एंड वो अच्छे से कलर भी निकल के आएगा। तो मैंने ऊपर लाइट पिंक कलर लगाया यहाँ पर। तो ये पूरे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है कॉर्नर में। मैं अच्छे से इसको दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे मैं हल्का ऑरेंज कलर शाइनिंग वाला कलर ले रही हूँ और जो कि मैं कॉर्नर पे पूरे में यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगी। लगाने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब ऑरेंज कलर की मेरी ड्रेस में फूल से बने हुए हैं, इसलिए मैंने हल्का लाइट ऑरेंज कलर लिया है, शाइनिंग ही कलर लिया है। तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ फिर से लगा के दोनों आईज पर ब्लेंड कर लेना है। तो ये मेरा आईज मेकअप हो चुका है फुल। अब मैंने यहाँ काजल लगा लेना। ये जो काजल है ना बहुत ही अच्छा है गाइस, इसको आप ला सकते हैं। इसमें आईलाइनर काजल दोनों है। मैं काजल से ही पूरी चीज़ अप्लाई करूँगी, आईब्रो वगैरह और आईलाइनर मैं काजल से ही अपना यूज़ कर लूँगी, लगा लूँगी। कम मेकअप में अच्छा हमने मेकअप करने का सोचा, तो इसको कोई भी मेकअप कर सकता है। जिसके पास कम प्रोडक्ट है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, काजल से आईब्रो फिल भी कर सकता है और आईलाइनर भी लगा सकता है। तो ये मेकअप मैंने काजल लगा लिया अपना। तो फ्रेंड्स, काजल हमारा लग चुका है। आईब्रो फिल मैं इसी से कर लूँगी अपनी, हल्की हल्की सी अपने सेट करनी है। आप भी इस तरह से सेट कर लीजिएगा। अगर आपकी ज़्यादा ही हल्की है तो उसको अच्छे से लाइनिंग बना के कर लीजिएगा। हल्की तो मेरी भी है बट मैंने ज़्यादा डार्क नहीं की है, क्योंकि ब्राइट नाइट के समय या फिर डे के समय थोड़ा डार्क होती है ना तो मैच अच्छे से नहीं करती है। अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो आप ब्राउन भी उसके लीजिएगा, लेकिन ये मैंने कम कम जल्दी फास्ट करने की कोशिश की है मेकअप को और कम ही प्रोडक्ट के साथ में। तो गाइस, ये मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है एंड अब मैं इसी से आईलाइनर लगा लेने वाली हूँ। गाइस, आईलाइनर मैं इसी काजल से आईलाइनर लगा रही हूँ। तो
और आई लाइनर भी मेरा इसी से बहुत अच्छे से निकल के आता है। और ये काजल जो है ना हल्के से उसमें बहुत अच्छी कवरेज भी दे देता है। मैं लाइट आई लाइनर पतला लगाऊंगी या मोटा आई लाइनर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये लुक जो है एक हम कर रहे हैं को रख रहे हैं वैलेंटाइन से लुक, तो मोटा आई लाइनर लगाना अच्छा नहीं लगता है। मोटा आई लाइनर वेडिंग या फिर किसी शादी फंक्शन या फिर किसी और फंक्शन में अच्छा लगता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे पे ज़्यादा हैवी आई लाइनर नहीं करनी चाहिए हमको। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम मोटा आई लाइनर लगाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने पतला सा आई लाइनर लगाया है, बहुत ही स्लिम और बहुत ही पतला, जिससे लुक सिंपल भी लगे और अच्छा भी लगे आपका। तो लुक सिंपल के साथ में बहुत अच्छा लुक निकल के भी आने वाला है। तो गाइस ये मेरा आई लाइनर हो चुका है, आईज मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल रखा है। अब मैं यहाँ लिपस्टिक लगा लूँगी अपनी, जो मैंने लगाई थी वो थोड़ा मैच नहीं कर रही थी। अगर आपको न्यूट कलर चाहिए, आपके पास कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी जो कितने ना फाउंडेशन वगैरह है उसको लीजिए, अपने लिप्स पे लगा लीजिए। एंड मेरा लिपस्टिक लगाने के बाद में हल्का सा डैप डैप कर लेंगे, तो इससे क्या होगा आपका जो न्यूट कलर है वो कलर न्यूट निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने लिपस्टिक से ही यहाँ पर ब्लशर यूज़ किया, ब्लशर जो है लिपस्टिक से किया, बहुत हल्का हल्का मैंने लगाया था लिक्विड लिपस्टिक का, इसी से मैं ब्लशर यूज़ कर लूँगी। दोनों चिक पे कर लिया, हल्का सा नोज़ पे आगे लगा लिया। तो ये मेरा ब्लशर भी लग चुका है, आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा ब्लशर का काम भी करा है इसने। हल्का सा आप लगाइएगा, ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी अपने नोज़ पर, एंड जहाँ चिक को जो मतलब जो हाइलाइटर कहते हैं हाई पॉइंट पे किए जाते हैं, तो वही हाईलाइटर अपना कर लीजिएगा आईब्रो के नीचे, आईब्रो के ऊपर एंड चिक्स पे एंड नोज़ पे, नोज़ के अपनी अपर लिप्स पे। तो हाई पॉइंट मेरे यहाँ पर हो चुका है। एंड गाइस काफ़ी हद तक मेरा मेकअप पूरा ही एक तरह से मेकअप मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे तो जो आई शेड जो ऑरेंज कलर का मैंने लगाया था वही मैं आईज के नीचे लगाने वाली हूँ। मैं पहले लगाना नहीं रहा तो मैं अब आइस के नीचे वही ऑरेंज कलर लगाऊंगी, लाइट कलर है एंड बहुत ही अच्छा ये कलर निकल के आता है आइस के नीचे मेकअप करने से। तो आइस के नीचे भी मैंने वही आई शेडो लगा लिया है। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं जो हाइलाइटर है हाइलाइटर लूँगी वो आइस के कॉर्नर पर लगा लूँगी, जिससे हमारी आइस है ना थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है। तो आइस के कॉर्नर पर ये मैंने लगा लिया है अपना हाइलाइटर। ये देख रहे हैं गाइस हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो सिंपल सा लुक है, कैसा लगा आपको? अगर लुक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में करना चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। तो कहीं से लुक कैसे लगा? मैंने हेयर सिर्फ ओनली बांध रखे थे, नॉर्मली हेयर खोले हैं मैंने, हेयर में मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, नॉर्मली हेयर मैंने लगे हैं। ये किसी भी ड्रेस पर खुले हुए हेयर जाते हैं, तो आप इस तरह से हेयर रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस तरह की मेरी ड्रेस है तो आप देख रहे हैं इस ड्रेस पर ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल सा लुक है एंड बहुत अच्छा लुक जा रहा है। तो बाय बाय।